वेलकम टू अ न्यू प्लेटफॉर्म एकलव एकेडमी, द प्लेटफॉर्म रियलाइजिंग ड्रीम्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लड रिलेशन के कोडिंग सवालों की, जो अक्सर के एग्जाम्स में जब पूछे जाते हैं तो हमारा बहुत सारा समय कंज्यूम हो जाता है इनको सॉल्व करने में। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस तरीके के सवालों को करने में ना पेन का यूज करना है और केवल 2 से 3 सेकेंड में ऑप्शंस को देखते ही आप सही आंसर का चुनाव, सही आंसर का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो कौन सी ट्रिक और अप्रोच है, किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, ये हम इस वीडियो में आगे देखते हैं। तो चलिए सवालों से रिलेटेड, तो सबसे पहला आपका सवाल है निर्देश। देखिए, इस तरीके का कुछ पैटर्न आता है जो हमें देखने मिलता है। आपको दो अल्फाबेट के बीच में एक साइन दे रखा होता है और उस साइन का क्या मतलब है, उस साइन का कौन सा रिलेशन, वो साइन कौन से रिलेशन को डिनोट कर रहा है, ये आपको दिया जाता है। जैसे इसमें फर्स्ट जो है पी डिवाइड क्यू, यानी पी भाग क्यू इज इक्वल टू पी क्यू की बहन है, यानी जहां भी भाग का चिन्ह आएगा उसका मतलब बहन से होगा। सेकेंड में है पी मल्टीप्लाई क्यू, पी गुणा क्यू, पी क्यू का भाई है, इसका मतलब मल्टीप्लाई का मतलब होगा भाई। थर्ड में है पी माइनस क्यू, पी क्यू की माँ है, यानी माइनस का मतलब माँ से होगा। और फोर्थ लास्ट वन है पी प्लस क्यू, पी क्यू का पिता है। और ये सवाल IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर एग्जाम 2013 में पूछा गया है। अब ये तो केवल निर्देश हो गए, इससे सवाल कैसे होते हैं ये हम समझ लेते हैं। देखिए, सवाल को समझने के लिए उससे पहले आप दो चीजों का ध्यान रखेंगे इस तरीके के सवालों को सॉल्व करने में। इसमें एक तो जो जेंडर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है देखना, और दूसरी चीज ये जो साइंस हमें दे रखी है इनको समझना। अगर आपने इन दो बातों को बहुत अच्छे से समझ लिया तो आपको नेक्स्ट टाइम कभी भी इन सवालों को सॉल्व करने के लिए पेन का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सवाल देखते हैं किस तरीके के होते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका अर्थ है एम टी के मामा है। तो मैंने आपको दो रूल बताए हैं, जेंडर और साइन। तो ये जो दो सवाल इस क्वेश्चन से आए हैं उसमें मैं जेंडर का भी यूज नहीं करना, केवल साइन देख के ही आंसर्स इसमें हो जाएंगे। तो जरा ध्यान से समझिएगा, पहले भी मैंने एक बार बोला है, ट्रिक और अप्रोच को सीखते और समझते टाइम कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर हमें वो एक बार अच्छे से समझ में आ गई तो उसके बाद अपने आप प्रैक्टिस करके वो टाइम को हम सेट कर सकते हैं। तो यहां समझिए, एम टी के मामा है। अगर एम टी के मामा है तो सबसे सिंपल सी चीज है, अभी आपके माइंड में एक चीज आ जानी चाहिए, मामा जो रिलेशन होता है वो इन रिलेशंस के हिसाब से किस किस से बनेगा। माँ के भाई, माँ के भाई का मतलब हो गया कि हमें एक साइन मल्टीप्लाई और एक साइन माइनस जरूर चाहिए, अगर हमें केवल ऑप्शंस में दो ही साइन दे रखे हैं। अगर दो साइन दे रखे हैं तो मल्टीप्लाई और माइनस हमें जरूर चाहिए होगा। तो क्या पहले ऑप्शन में है? नहीं है। क्या सेकेंड ऑप्शन में मल्टीप्लाई और माइनस है? नहीं है। थर्ड ऑप्शन में है? हाँ है। और फोर्थ ऑप्शन में है? नहीं है। तो जब दो ऑप्शन कोई एक दूसरे को ओवरलैप कर ही नहीं रहे हैं तो आंसर मस्ट बी सी, एम गुणा के माइनस टी। एक बार हम इसको देख लेते हैं सॉल्व करके, क्या हमारा आंसर सेटिस्फाई हो भी रहा है या नहीं। देखिए, और इस तरीके के सवालों को जब भी सॉल्व करना है तो हमेशा उल्टी साइड से करना है। जैसे अगर मैं देखूंगी टी और के बीच में, देखिए माइनस लगा हुआ है, माइनस का मतलब है पी क्यू की माँ है, यानी कि के माँ है टी की, तो टी की कौन हो गई है? माँ हो गई। और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? भाई। तो एम जो है वो माँ के भाई है, तो टी के कौन हो गए? मामा। तो ऑब्वियसली बात है हमारा आंसर बिना ये सब किए ही हो गया था। ये तो सिर्फ मैंने आपको एक बार आपके सेटिस्फेक्शन के लिए ये करके ऑप्शन सॉल्व करके बताया है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा कि मैंने क्या बताने की कोशिश की है और ये साइंस किस तरीके से ऑप्शन में जब रखे जाते हैं तो किस तरीके से आंसर को सेकेंड में सॉल्व करने के लिए हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी निर्देश से, निम्न में से किसका अर्थ है एस टी के दादा हैं। सिंपल है, एस टी के दादा हैं, दादा कौन होते हैं? पिता के पिता। पिता के पिता का मतलब है दो बार प्लस साइन जिस भी ऑप्शन में आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर आप देखेंगे तो पहले ही ऑप्शन में दो बार प्लस आ रहा है, देखिए किसी और ऑप्शन में तो नहीं आ रहा है ना। अगर दो ऑप्शन ओवरलैप करते तो हम एक को सॉल्व करके देख लेते, लेकिन किसी भी ऑप्शन में इस तरीके का प्लस प्लस दो बार नहीं है, तो आंसर हो जाएगा
ए, ठीक है। तो आई होप ये वाला मेथड आपको समझ आ गया होगा कि जब साइंस का इस तरीके से पूछा जाए कि उनके दादा मामा या कोई भी, तो ऊपर दिए हुए रिलेशंस में हम ये देखते हैं कि किस तरीके से वो रिलेशन आपस में कोरिलेट करेगा, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा ये, और अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है और आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करिए। नेक्स्ट आगे आते हैं अगले निर्देश पे। अब इसमें क्या है, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन, ये DPMTS 2019 यानी लास्ट ईयर ही पूछा गया है। ए प्लस बी ए बी की माता है, ए माइनस बी ए बी का भाई है, ए परसेंटेज बी ए बी का पिता है, ए मल्टीप्लाई बी ए बी की बहन है। इससे किस तरीके के क्वेश्चन है देखते हैं। निम्न में से किसका अर्थ है पी क्यू के मामा है। देखिए मामा का मतलब है माता के भाई, दो ही साइन चाहिए, लेकिन ऑप्शंस में दो साइन से ज्यादा दे रखे हैं, तो हमें केवल एक ये वाला पैटर्न ही काम नहीं करेगा। क्योंकि देखिए अगर हम देखेंगे माता के भाई प्लस माइनस, यानी पी और क्यू के बीच में प्लस और माइनस का यूज होना चाहिए, तो हम ए सी और बी ऑप्शन में देखेंगे लगभग तीनों में ही ये प्लस और माइनस ये आ रहा है, तो इस वाले अप्रोच को हम इस सवाल में नहीं फॉलो करेंगे। एक पैटर्न और आपको समझना होगा जहां मैंने आपसे जेंडर की बात की थी, और एक चीज और मैं आपको समझाती हूँ, पहले वो समझ लेते हैं। देखिए अगर मुझे ए और बी के बारे में साइन दे रखा है प्लस और ए बी की माता है, एक बात आप बताइए, ए बी की माता है ठीक है, लेकिन बी पुत्र है या पुत्री, क्या आप जेंडर डिसाइड कर सकते हैं? नहीं। ए बी का भाई है, ए भाई है, लेकिन बी बहन होगी या भाई, आप जेंडर डिसाइड कर सकते हैं? नहीं। इसी तरीके से मैं आपको जो कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो ये है कि जब दो अल्फाबेट के बीच में साइन दे रखा होगा, और अगर पहले वाले के बारे में आपको रिलेशन बताया है, तो उससे आप दूसरे वाले का जेंडर कभी डिफाइन नहीं कर सकते। बस एक केस में कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए मुझे दे रखा हो ए प्लस बी का मतलब है ए बी का पति है, तो ए अगर पति होगा तो बी ऑब्वियस है कि उसकी पत्नी होगी, ठीक है। तो एक ही कंडीशन में हम बाद वाले का जेंडर डिसाइड कर सकते हैं जब उनके बीच में साइन पति पत्नी वाला दिया हो। एक अगला कॉन्सेप्ट ये था, तो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। अब वो कहाँ काम करेगा ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए पी क्यू के मामा है, तो ये तो कंफर्म है पी का जेंडर डिसाइडेड होगा, क्वेश्चन में ही हमें मामा पूछा है, वो पुरुष होंगे। पहले वाले ऑप्शन में पी सबसे लास्ट में आ रहा है, यानी कि एम और पी के बीच में मल्टीप्लाई लगा है, तो इसका जेंडर तो हम निर्धारित कर सकते हैं बट पी का नहीं कर सकते। तो जब जेंडर ही निर्धारित नहीं होगा तो हम किसी भी तरीके के आंसर पे नहीं पहुंच सकते। इसमें भी पी लास्ट में है, इसमें भी पी लास्ट में है, और पति पत्नी का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो अपने आप ही हम दोनों ऑप्शन को काट देंगे। दूसरे तरीके से जेंडर कैसे काम करता है वो समझिए। अब हमारे पास दो ऑप्शन है बी और सी, इनको भी सॉल्व नहीं करना। पी और एस के बीच में हम देखेंगे प्लस लगा हुआ है, और प्लस में क्या है ए बी की माता है। पी अगर माता होगी तो ऑब्वियस सी बात है पी क्या होगी, फीमेल महिला होगी, तो ये भी आंसर नहीं होगा, तो आंसर मस्ट बी सी, ठीक है। अब एक बार हम देख लेते हैं मामा होंगे या नहीं। देखिए पी से क्यू से अगर हम एन का रिलेशन निकालेंगे तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या है बहन, यानी कि एन बहन है। फिर प्लस का क्या मतलब है माता, तो बहन की माता, इसका मतलब क्यू की भी कौन हो गई है माता हो गई, और इन दोनों का आपस में संबंध। माइनस का मतलब है माता के भाई, तो माता के भाई, तो क्यू की माता के भाई इनके कौन हुए मामा, ठीक है। तो बिल्कुल हमारा जो अप्रोच है वो कोई भी उसमें किसी तरीके की गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल सही और सटीक अप्रोच है, जिसका यूज करके हम विदाउट पेन पेपर यूज ना भी करें तो उसके बिना सेकंड्स में ऑप्शन देख के ही हम आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट निर्देश देखते हैं। एच प्लस जी, एच जी की माता, एच डिवाइड जी, एच जी की बेटी है, एच माइनस जी, एच जी का पति है, एच मल्टीप्लाई जी, एच जी की आंटी है। RRB NTPC 2016 में पूछा गया सवाल है, यानी कि जब भी लास्ट NTPC हुआ था ये उसी का सवाल है। देखते हैं इसमें निम्न में से किसका अर्थ है TS की माँ है। देखिए TS की माँ है, ये कंफर्म है कि टी का जो जेंडर होगा वो फीमेल होगा। अब ये आप इन ऑप्शंस को बस एक बार देखिए तो इन चारों में ही टी सबसे लास्ट में आ रहा है, तो लास्ट में जेंडर केवल एक ही कंडीशन पर डिसाइड होता है, जब उनके बीच में
पति पत्नी वाला साइन हो, तो यहाँ पति पत्नी का जो साइन दे रखा है वो क्या है, माइनस। तो एक यही ऑप्शन सही हो सकता है, बाकी किसी में जेंडर ही डिसाइड नहीं होगा, तो हम नहीं डिसाइड कर सकते कि वो माँ होंगी, क्योंकि जेंडर डिसाइड करना या जेंडर डिसाइड होना माँ पिता भाई किसी के लिए भी, अगर आपको फिक्स्ड दे रखा है कोई रिलेशन तो उसके लिए जेंडर पता होना ही चाहिए। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, देखिए टी और डब्ल्यू में देखेंगे तो पति यानी कि डब्लू पति हो गया, और भाग का मतलब है पति की बेटी, तो पति की बेटी है तो टी की भी ये बेटी होगी, है ना। और ये पति है तो ऑब्वियस ये है, ये पत्नी होगी तो ये पिता होंगे, इसके ये माता होंगी, बिल्कुल सही है हमारी अप्रोच। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निर्देश। ए प्लस बी ए बी का भाई है, ए माइनस बी ए बी की बहन है, ए मल्टीप्लाई बी ए बी का पिता है, ए डिवाइड बी ए बी की माता है। एसएससी सीपीओ एग्जाम 2017 में पूछा हुआ सवाल है, कौन सा है इसे देखिए। निम्न में से किसका अर्थ है पी क्यू की दादी है। यहां भी देखिए बहुत सारे साइंस हैं, ऐसे तो दादी का मतलब वैसे तो सिंपल होता है पिता की माता, मल्टीप्लाई और भाग आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बहुत बहुत साइंस हैं तो हम इस अप्रोच को ना देख के सबसे पहले जेंडर वाली अप्रोच देखेंगे। देखिए पी क्यू की दादी है तो उसके लिए पी को फीमेल होना मस्ट है, मैंडेटरी है। तो देखते हैं कौन से साइंस में पी कहाँ कहाँ दे रखा है। देखिए इन दोनों में अगर हम देखेंगे प्लस साइन है, इसमें पी भाई होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका जेंडर क्या हो गया, मेल हो गया, आंसर नहीं हो सकता। इसमें भाग का मतलब क्या है, माता है, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये अभी हो सकता है ऑप्शन, इसको छोड़िए। यहाँ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का मतलब पिता है, यानी कि जो जेंडर है वो मेल है तो नहीं हो सकता आंसर। और इसमें भी मल्टीप्लाई है यानी कि नहीं हो सकता आंसर, 100% जो आंसर होगा वो बी होगा। किसी भी पेन पेपर का यूज किए बिना ऑप्शन को देखते ही सेकेंड में आप आंसर कर सकते हैं। और सबसे आखिरी सवाल आज के इस वीडियो का, H प्लस बी इज इक्वल टू ए, वो सॉरी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी का पिता है, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए बी की माता है, ए मल्टीप्लाई बी ए बी की बहन है। निर्देश। इससे सवाल है, निम्न में से किसका अर्थ है पी एस की दादी है। तो देखिए दादी के लिए सिंपल सी चीज है, एक तो फीमेल और दूसरी चीज प्लस और माइनस का होना जिसके भी बीच में पूछा गया है वो मैंडेटरी है। तो पी एस की दादी यानी पी और एस के बीच में कौन सा साइन होना चाहिए, प्लस का और माइनस का। यहाँ देखिए पी और एस के बीच में हर जगह हर ऑप्शन में दो ही दो साइन है, इसलिए मैंने आपको ये वाली अप्रोच फॉलो करने के लिए इसमें बोला है। तो दो दो साइन का मतलब है जिसमें भी प्लस और माइनस वाला साइन होगा वही हमारा आंसर होगा, ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें है, बस किसमें है प्लस और माइनस का ये, ठीक है। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो कि जेंडर और साइंस का यूज करते हुए किस तरीके से बिना पेन पेपर का यूज किए सेकंड्स में हम, बिना कॉपी पेन का यूज किए कैसे सेकंड्स में हम इनका आंसर बहुत अच्छे से कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल 100% बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि एक्यूरेसी टाइम के साथ साथ मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये ट्रिक या अप्रोच अच्छी लगी तो इससे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर करिए। जल्द ही मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक, नए किसी अप्रोच के साथ जो बहुत ही अच्छे तरीके से होगी, किसी भी ऐसे टॉपिक का जहां बहुत टाइम लेता होगा और वो टॉपिक आपको अगली वीडियो में देखने के बाद बहुत ईजी लगने लगेगा। इसी उम्मीद के साथ कि इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, अभी इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। थैंक्स अगेन।